मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अरविंद चौहान आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल पेपर हैकर में। मैं आज आपके लिए एक और खूबसूरत सा सेशन लेके आ गया हूं एनसीईआरटी के ऊपर। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी का जो चैप्टर 8 है उसको हम खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, उसको आज हम खत्म कर देंगे। और 8.2 के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और लोगों को भी जोड़ लीजिए, ठीक है। इससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इसके बारे में आपको कुछ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप जरा उसको पढ़िए कि क्या लिखा हुआ। अगर आपका कोई अपमान करे तो आप क्या करें? जी हाँ, अगर कोई आपका अपमान करे तो आप क्या करें? बोले सर ये क्या बता रहे हो आप, अपमान? बेटा सही बात कह रहा हूँ मैं, आपसे 2 मिनट लूंगा आपके, आप मेरी बात सुनिए। अगर कोई आपका अपमान करता है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आप उसको लड़ना चाहिए या उसका अपमान कर देना चाहिए? नहीं, आपको वहां से हटना चाहिए, ठीक है। आपको वहां से हटना चाहिए, थोड़ा दूर जाके, उसके सामने नहीं वरना तुमसे बहुत बुरा लगने वाला है। उसके दूर, थोड़ा दूर हटके आपको क्या होना चाहिए? थोड़ा मुस्कुराना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुस्कुराना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको मुस्कुराना चाहिए। सर आप ये क्या कह रहे हो, मुस्कुराना चाहिए? हमारा अपमान हुआ और हम मुस्कुराएं? तो बेटा मेरी बात सुनिए आप, दुनिया का बड़ा काम क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा काम, इंपॉर्टेंट काम क्या है? आपको डिस्टर्ब करना। क्या करना? आपको डिस्टर्ब करना। जैसे ही आप एक एक कदम आप ऊपर जाते जाएंगे, दुनिया क्या करेगी, आपको पकड़ के क्या करेगी, नीचे लेके आएगी, ठीक है। वो चाहेगी नहीं कि भैया ये भाई साहब जो है हमारे ऊपर जाए, ठीक है। ऊपर मतलब, ठीक है, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस हो किसी इंसान की, दुनिया नहीं चाहेगी। तो उसके पास क्या काम होगा? उसके पास काम होगा क्या, वो आपको रोक तो नहीं सकती, आपको डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। वो आपको डिस्टर्ब कैसे करेगी? कुछ ऐसी बातें कहेगी आपसे, कुछ ऐसे काम करेगी जिससे आपका माइंड फिजिकल बेटा डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, वो आपको मेंटल डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। और वही उसी बात की तो बेटा लड़ाई है कि कौन डिस्टर्ब होगा और कौन डिस्टर्ब नहीं होगा। इन लोगों का बेटा दुनिया का कोई काम नहीं है, ठीक है। आपको डिस्टर्ब करेंगे, अगर आप इनसे डिस्टर्ब होगा तो ये बहुत खुश होंगे, ठीक है। इनका जो मिशन था वो कंप्लीट, लेकिन अगर आप इनके डिस्टरबेंस से बचकर, इनको इग्नोर करके अपने काम में लगे रहेंगे और जो आपने गोल सेट किया है उसके ऊपर काम करते रहेंगे, तो आप इनको हरा देंगे और उस दिन इनकी हार होगी और आपकी जीत होगी, ठीक है। तब आप इनको डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है। तो कभी भी आपको बुरा भला कोई कहे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बेटा 9th 10th में बच्चों का जो टॉलरेंस पावर है वो बहुत कम होती जा रही है। रोज रोज न्यूज़पेपर में आपको खबरें मिलती हैं कि किसी ने ये किया, किसी ने वो किया बच्चे ने। तो बच्चों का जो माइंड है बेटा, बच्चों का माइंड तो बच्चों के माइंड जैसे ही है, लेकिन बड़ों को भी समझना चाहिए कि किस तरह से उनको डील करना है, ठीक है। बच्चों का माइंड ऐसा है कि बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, किसी ने उनसे ज़्यादा कह दिया, कुछ और ज़्यादा डांट पड़ गई, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा पॉसेसिव रहे अपने बच्चों को लेकर, मैं आपसे यही कहूँगा, जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात करते हैं, अगर कोई आपका अपमान करे तो आप उससे ना भिड़े और ना अपने दिल पर लें, थोड़ा दूर जाएँ, मुस्कुराएँ और उससे कहिए बाके बिहारी लाल की जय। मैं अपना काम करता रहूंगा, अपनी मेहनत करता रहूंगा, और जिस दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी, जो भी डिस्टर्ब करने वाला था वो खुद ही डिस्टर्ब होगा और दीवार में सर मार लेगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री 8.1 का 11th क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। मैं शुरुआत करता हूँ अब यहाँ से, आज की, आज हम देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और 8.2 में जो क्वेश्चन है पहले उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे कि उसमें होगा क्या, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस पर आएंगे। यही मेरा पढ़ाने का तरीका है, अब तक आपने इन वीडियोस में समझ लिया होगा कि मुझे जल्दबाजी बिल्कुल नहीं रहती है, मुझे बच्चे में कुछ समझ में आना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और थोड़ा सा रीड करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको ये सॉल्व करवाता हूँ, ओके। तो इस क्वेश्चन में है क्या, इसमें बेटा 4 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, और वो आपसे कुछ पूछ रहा है ट्रू फॉल्स। तो बेटा बेसिकली ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में तो नहीं आते हैं इस तरीके के ट्रू फॉल्स, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए मुझे आपको ये पढ़ाना जरूरी था, ओके। तो पहला पार्ट देखिए, आप कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। बेटा इस वर्ड को आप ध्यान से देखेंगे, जरा इस वर्ड को आप ध्यान से देखेंगे, क्या लिखा हुआ बेटा ये ऑलवेज। बेटा ऑलवेज जहाँ पर आपको लिख जाए ट्रू और फॉल्स जैसे क्वेश्चन में, वहां पर आपको और ध्यान देना पड़ता है और आसान भी हो जाती है वो चीज, क्योंकि ऑलवेज का मतलब है हर जगह यूनिवर्सली वो चेक करने को कह रहा है। अगर एक भी केस में वो गलत हो गया तो फिर हमारे ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। जैसे बेटा हमने कल क्वेश्चन किए थे काफी सारे, उसमें हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे अब, कि मान लीजिए ये 5 है, ये 3 है और ये 4 है,
ये ट्रिपलेट होता है। अब आप याद हो गए होंगे आपको ये ट्रिपलेट्स 4, 3 और 5। अगर मैं बेस इनको चेंज कर दूं बेटा, ठीक है, अगर मैं इनको चेंज, बेटा हाइपोटेन्यूज तो 5 ही रहेगी, इसको अगर मैं 4 कर दूं और इसको मैं अगर 3 कर दूं, ठीक है, इसको अगर मैं 4 कर दूं और इसको 3 कर दूं, तो क्या होगा? अगर इसमें हम यहाँ पर ये ले लें, ठीक है, अब हम इसमें क्या निकालेंगे, हमें चेक कौन सा रेशियो करना है बेटा, ये एच नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर टेन है, ठीक है, टेन, टेन इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ठीक है, टेन, हाँ ये ओके। तो टेन बेटा क्या होगा, यहाँ पर होगा टेन 3/4 और यहां पर बेटा क्या होगा, 10 4/3। तो बेटा ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1। बोलो 4 है, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है किसी फ्रैक्शन में तो वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है बेटा, और अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से तो वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 1। तो बेटा इस केस में लेस देन 1 और इस केस में ग्रेटर देन 1, इसका मतलब, और ये भाई साहब कह रहे हैं ऑलवेज लेस देन 1, तो बेटा ये गलत हो गया, कहीं कहीं पे ग्रेटर भी होता है, कहीं कहीं पे ये लेसर भी होता है। तो बेटा ये हो गया हमारा पार्ट क्या, फॉल्स। ओके चलिए ये बात समझ में आई, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं वैसे तो, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि अब क्या था इसके अंदर, बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला। अब इसको रब कर देंगे बेटा, सेकेंड पार्ट पर आएंगे। ओके चलिए सेकेंड पार्ट देखिए, इफ sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a, क्या ये रिजल्ट सेटिस्फाई करेगा या नहीं, ये चेक करके इनको दिखाना है। तो बेटा ट्राइंगल बनेगा फिर से एक, ठीक है, बन गया ट्राइंगल बेटा, ठीक है, कह रहा है sec a इज इक्वल टू 12/5। तो sec बेटा होता क्या है, बेसिकली हाइपोटन्यूज और बेस का रेशियो, तो हाइपोटन्यूज बेटा ऊपर रहेगी और बेस आपका नीचे रहेगा, तो क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक बन सकता है बेटा, 12 स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, इसको नेमिंग कर देंगे बेटा सी ए और बी, ये हो जाएगा बेटा 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके तो अगर आप देख पाए कि बेटा एग्जैक्ट वैल्यूज तो नहीं आएंगी, ये जाएगा बेटा 144 माइनस बेटा 25। ओके ये हो गया, तो रियल वैल्यूज तो नहीं आ रही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोई वैल्यू नहीं आएगी, रियल नंबर्स आ जाएंगे, मतलब नेचुरल नंबर्स में आंसर नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे तो 4 में से 5 गया 9 बेटा समथिंग कुछ बचेगा, जो भी बचेगा ठीक है वो आप कर लेंगे, क्योंकि वो हमें सॉल्व करके दिखाना ही नहीं है, कुछ रूट पे समथिंग वैल्यू आएगी और वो हमें सॉल्व करके नहीं दिखानी, हमें बस ये बताना है कि ट्रू फॉल्स है या नहीं है। तो बेटा देख पा रहे हो कुछ तो वैल्यू आ रही है, कुछ तो वैल्यू आएगी यहाँ पर रूट में, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि sec a रिलेशन हो सकता है, तो ये क्या होगा बेटा, ट्रू होगा। ओके ये आपका ट्रू होगा, क्वेश्चन में अगर सॉल्व करने को देता मैं कराता बेटा, लेकिन हमें सॉल्व करने पर ध्यान ही नहीं देना है, हमें बस ये चेक करना था कि कुछ तो वैल्यू आएगी इसकी, तो कुछ वैल्यू ना कुछ तो आ ही आएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब कर देते हैं बेटा, ठीक है, ओके चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ये तो बहुत आसान है, cos a इज द एब्रिवेशन यूज्ड फॉर द cosecant ऑफ एंगल a, क्या बेटा ये सच बात है? नहीं बेटा ये सच बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि cos बेटा ये तो फर्स्ट लाइन है बेटा चैप्टर की, cos a बेटा शॉर्ट फॉर्म किसकी है, cosine a की, ओके, और हम cosecant ऑफ एंगल a की बात करें तो ये बेटा cosec a का फुल फॉर्म है, ठीक है, ये जो है बड़ी फॉर्म किसकी है, कॉसेकेंट की। ओके तो बेटा ये भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। ओके देख लो बेटा, तीन पार्ट आपके सामने कर चुका हूं मैं, ठीक है, तीन पार्ट मैंने आपके सामने कर दिए हैं, आप देख लीजिए कॉस ए किसका होता है, कॉसाइन का, और कॉसेक के टक फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, कॉसेकेंट, ठीक है बेटा, क्वेश्चन करते रहना पेन से अपने, ठीक है, ये मत समझना कि बस सर करते रहेंगे हो जाएगा सब, ठीक है। फोर्थ पार्ट, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot a, बेटा जिसने मेरी पहली वीडियो देखी होगी वो इसका आंसर बता देगा तुरंत ही बेटा, cot a मैंने बताया था आपको कि cot a जो होता है वो एक कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है, ये cot और a का मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है, ये फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं मैं, तो यही कह रहा है वो बेटा, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ऐसी बात बिल्कुल गलत है,
ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये पूरी कंबाइंड फॉर्म में कॉट, वो भी किसका, एंगल ए का, ये मल्टीप्लाई नहीं होती बेटा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके अब साइन ए इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल्स ऑफ ए, बेटा इसमें आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। अब सोचो एक बार को दिमाग लगा के कि सर क्या ये हो सकता है ऐसा, देखो जरा, बोल रहा है कि साइन ए होता है 4/3, इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना, मैं यहीं पे आपको सॉल्व करवा दूंगा कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। देखो बेटा 4/3, बेटा 4/3 ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये होगा हाइपोटेनस, कैसे, क्योंकि ये साइन है, ये क्या है, साइन। तो बेटा हाइपोटेनस कभी कम हो सकती है किसी और साइड से ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के, बताओ आप, राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी हाइपोटेन्यूज बाकी दो साइड से लेस नहीं हो सकती, और इसमें तो परपेंडिकुलर 4 है और ये 3 है, गलत बात, क्या गलत बात बेटा, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलिए ये पांचों पार्ट हमारे हो गए यहाँ पर खत्म, ये हमारी 8.1 एक्सरसाइज भी खत्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आए होंगे, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है हर टाइम, ठीक है। जब भी आपको लगेगी सर 8, 9, 10 या 11 किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्व करके फिर से रिवाइज करवा दूंगा आपको अगले सेशन में, ठीक है। और हाँ बेटा, कल की जो वीडियो थी उसमें थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो गई थी, आप ये मत समझिएगा कि वीडियो वहाँ पे ख़त्म हो गई है, 30 सेकेंड्स लगभग वो टाइम पीरियड था, उसके बाद वो वीडियो फिर से शुरू हो गई थी, तो आप उसको पूरा देख लीजिएगा, उसके आगे भी मैंने 2 क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए फर्स्ट एक्सरसाइज के, अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के आगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ा अभी। अब बेटा ये हमने क्या पढ़ा, ये एंगल थीटा, कुछ एंगल लेना, अब ये जो एंगल है अभी तक इनकी वैल्यूज नहीं पढ़ी हमने, 60, 80, 90, 100, तो अब कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या क्या वैल्यूज होती हैं, रियल वैल्यूज, वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, उससे एक टेबल बनेगी, टेबल को मैं डायरेक्ट याद नहीं करवाऊंगा, पहले आपको बना के दिखाऊंगा कि वो वैल्यूज एग्जैक्टली आ कहाँ से रही हैं, उसके बाद हम उस टेबल को याद करने वाले हैं, उसके बाद हम और क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए और इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, ओके चल, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेटा वही सारी वैल्यूज जिन पर हमें पर्टिकुलर वैल्यूज पर हमें उनकी वैल्यू निकालनी है और सॉल्व करना है, ठीक है। एंगल्स हमें पर्टिकुलरली बात करनी है, तो हमें मेनली बात करनी होगी किन की बेटा, एक तो हो गया बेटा 0 डिग्री, एक हो गया 30 डिग्री, एक हो गया बेटा 45 डिग्री, एक हो गया 60 डिग्री और एक हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है बेटा। इन 5 वैल्यूज पर हमें याद करनी है इनकी वैल्यूज रियल वाली, ठीक है। ये तो एंगल्स हैं, अब इन एंगल्स की नेचुरल नंबर्स में क्या वैल्यूज होती है वो हमें फाइंड करनी है बेसिकली, ओके। तो पहले हम बात करेंगे सबसे आसान मिडिल वाले की, 45, ओके। सबसे पहले हम 45 की बात करने जा रहे हैं, ओके। तो आ जाओ बेटा देखते हैं इसको, एक ट्राइंगल बना लेते हैं बेटा, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, ओके। एक ट्राइंगल बना लिया, अब इसमें हम ये मान के चलेंगे कि ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला ए और ये वाला ए, ओके, ये हमने बराबर ले लिया है, ठीक है। हमने अगर ये बराबर ले लिया है और 90 डिग्री है ये, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड नहीं निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी, ठीक है, ओके। सर ये बराबर अपने पास से कैसे ले लिया आपने, ठीक है, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर आपने अपने पास से कैसे ले लिया इसको बराबर, तो बेटा हमने इन एंगल्स को लिया है 45, हम 45 निकाल लेना बेसिकली, तो हमने 45 ले लिया है। अब बेटा पूरे ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180, तो एक 90 है, एक 45 है, तो दूसरा भी 45 हो जाएगा ना, दूसरा भी 45 हो जाएगा। अब आपको मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी थोड़े दिन पहले, कल या परसों वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब एंगल्स बराबर होते हैं तो इनके सामने वाली जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होती हैं, इसलिए मैंने बेटा ए और ए दोनों बराबर लिख दिए हैं। अपने पास से मैथ्स में कुछ नहीं होता बेटा, हर चीज़ का प्रूफ होता है, तो मैंने ए और ए क्यों ले लिए इक्वल, आपको दिख रहे हैं क्योंकि एंगल्स दोनों 45-45 डिग्री आ रहे हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए 45 डिग्री और 45 डिग्री, ओके, ये 45 डिग्री 45 डिग्री आ रहे हैं। चलिए
इतनी बात हो गई, ओके। अब देखो आगे, अब पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल के दिखाओ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा बेटा, इसको नेमिंग कर देंगे ए बी सी, क्या हो जाएगा बेटा, ए बी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा बेस कितना है ए, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और बेटा दूसरी साइड जो है वो भी ए स्क्वायर ही रहेगी, तो बेटा ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a² और AC कितना हो जाएगा बेटा, अब तो आपको बहुत अच्छे समझ में आने लगी होंगी ये चीजें। रूट ले लेंगे इस तरफ, ये ए स्क्वायर का सिर्फ a बचेगा और 2 के ऊपर रूट लग जाएगा। देख लो देख लो, कोई जल्दी नहीं है, देख लो बेटा, सीख लो पहले, ठीक है। हमने ये साइड निकाल दी तो हमारी ये साइड क्या आ गई बेटा, a√2, ठीक है। ये साइड कितनी आ गई हमारी, a√2, ओके। अब हम देखते हैं इस वैल्यू पर, अब हम निकालेंगे बेटा टेन, क्या निकालेंगे बेटा टेन, बस हमें बेटा तीन साइड निकालनी थी, और कुछ तो होता ही नहीं ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल में तीन साइड निकालनी, तीनों एंगल पता है, अब बस काम शुरू कर दें अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने का। टेन, अब यहाँ पर बेटा अब तक क्या लगाते थे, ए थीटा कुछ भी लगाते थे, लेकिन अब ए और थीटा नहीं लिखेंगे, अब तो 45 ले लिया ना, उसकी वैल्यू ले ली ना, तो 45 ले लेंगे हम यहाँ पर, लेकिन रेशियो वही रहेगा, क्या, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो बेटा परपेंडिकुलर कितना है हमारा ए, और बेस कितना है बेटा हमारा ए, तो बेटा ये कैंसिल आउट होकर कितना आएगा 1। तो यहां से मैंने आपको सिखाया टेन 45 कितना होता है बेटा 1। अब बेटा सर टेन का एक और भी हमें पता है साथी, इसका उल्टा होता है, टेन इधर जाता है तो कॉट इधर जाता है, उल्टे होते हैं एक दूसरे के, अब कॉट क्या होगा बेटा, cot 45 बेटा इसका रेसिप्रोकल, तो 1 के नीचे भी तो 1 ही है डिनोमिनेटर में, लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल भी 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा ये भी 1। तो यहां से हमने दो वैल्यू सीख ली, tan 45 और cot 45 कैसे बनाते हैं, हमने याद तो किए हैं कि सर 1 1 1 1 अपॉन रूट टू वो होता है, रूट टू अपॉन 1 ये होता है, लेकिन कहां से आते हैं वो मैं ये पूरा आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप जुड़े रहेंगे मुझसे और समझते रहेंगे इन चीज़ों को, ठीक है बेटा। डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं करवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, हर चीज़ पहले समझाऊंगा उसके बाद करवाऊंगा, ओके। चलिए, तो ये टेन 45 हो गया और कॉट 45 हो गया, ओके। अब हम चलते हैं आगे, अभी बेटा सिर्फ दो ही तो हुए हैं, आपको सिखाए तो 6 हैं, 6 सिखाए मैंने, 6 2 हो गए, अब बचा गया सर साइन, बचा अभी तो साइन 45, हर जगह 45 लगेगा बेटा, क्योंकि हम 45 निकाल रहे हैं अभी। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है बेटा हमारा ए, और हाइपोटन्यूज कितना है बेटा a√2, यहां से a और a कैंसिल आउट, क्या आएगा बेटा 1√2, चलिए 1√2। अब cos 45 निकाल लेंगे, cos 45 निकालने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, बेटा बेस कितना है a, हाइपोटेन्यूज कितना है a अपॉन रूट टू, a रूट टू, a से कैंसिल आउट, बेटा कितना आया 1√2। तो बेटा देखते ही देखते हमारे पास 4 आ गए, अभी 2 और रह गए, उसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है बेटा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, बेटा ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1√2 का रेसिप्रोकल बेटा √2/1, इसको √2 ही लिख देंगे, कोई जरूरत इसकी सॉल्व करने की नहीं। आपको दिख पा रहा है ना बेटा, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, काफी नीचे हो गया, आगे इसमें ऊपर ही लिखूंगा, आप टेंशन मत लीजिए उस चीज की। कॉस बेटा ये हो गया, तो बेटा सेक कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब √2, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा कोई जरूरत हो आपको, वरना हम इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो के नीचे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप देख लीजिए कि आपको 45 डिग्री पर 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद करवा दूंगा मैं, रटवाऊंगा नहीं बेटा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। मैं आपको इतनी बार एक एक चीज बोल दूंगा कि आपके दिमाग में वो चीज सेट हो जाएगी, ठीक है, ओके। जो बच्चे बेटा बार बार याद नहीं करते हैं वही ट्रिक बनाते हैं, ठीक है, कि सर एक बार करूं मैं ट्रिक याद, उसके बाद जब जब क्वेश्चन आए मैं वो ट्रिक बार बार रिमाइंड करूं माइंड में। बार बार जब रिमाइंड करना ही है तो ट्रिक को क्यों करना भाई, मेन कॉन्सेप्ट को रिमाइंड करना और अच्छी बात रहेगी। चलिए ये हो गया, अब मैं एक बार आपको लिख के दिखाता हूं सारे के सारे। साइन 45
कॉस 45, टेन 45, ओके। तो हमने क्या निकाले बेटा, साइन 45 वन अपॉन रूट टू, कॉस 45 वन अपॉन रूट टू, और टेन 45 वन, ठीक है। देख लीजिए बेटा, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा मैंने जो आपको समझाया ना हो पहले, ठीक है। टेन 45, साइन 45, कॉस 45, ये तीन के तीन आपको समझा दिए। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा बाकी तीन जो है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसी के रेसिप्रोकल हो जाएंगे वो। साइन 45 का उल्टा कॉस सेक 45, कॉस 45 का रेसिप्रोकल सेक 45, और टेन 45 का रेसिप्रोकल कॉट 45, ओके। अब इनकी वैल्यूज करने के लिए वन अपॉन रूट टू का उल्टा करेंगे, क्या आएगा बेटा रूट टू, इसका रेसिप्रोकल रूट टू, और वन का उल्टा तो वन ही होता है। बोलो बेटा समझ में आया आपको, नहीं आया आप मुझे कमेंट बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। या फिर और कुछ चेंजेस चाहते हैं मेरे पढ़ाने के तरीके में आप, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आपके जो भी कमेंट्स हैं वो काफ़ी स्वागत है उनका, किसी भी तरीके का कमेंट आपको करना हो तो प्लीज़ आप मुझे उस बारे में बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 45 के सारे एंगल्स सीख लिए हैं। याद कराने का काम बेटा मेरा है, मैं अभी कह रहा हूँ, ठीक है, याद कराने का काम मेरा है, बस आप सीखते जाइए कि वो आ कहाँ से रहे, ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 10th का पार्ट नहीं है, 11th, 12th, उसके आगे BSc कभी करेंगे, BTech करेंगे, यहाँ भी साइन कॉस सब आते रहते हैं। तो आपका जब बेस ही खराब होगा तो आगे क्या आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझने की पूरी कोशिश कीजिए, इसको मैंने आपको समझाया। अब बाकी के जो बचे थे बेटा हमारे एंगल्स, ठीक है, जो एंगल्स बचे हैं हमारे 0, 30, 60, 90, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ अब, ठीक है। 45 हमारा ख़त्म हो चुका है, अब चलते हैं हम आगे वाली स्लाइड पर, और हम जो हैं 30 और 60 इन दोनों को एक ही ट्रायंगल में समझ लेंगे, ठीक है। एक ही ट्रायंगल से दोनों निकल जाएंगे, आइए आप लोग आगे देखते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं आगे 30 और 60 पर, ठीक है। इसके लिए भी हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा बेटा, लेकिन इसमें ट्रायंगल थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है, तो आप लोग ध्यान देंगे मुझे। इसमें हम लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है ना बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं और सारे एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये दो बातें नहीं बताऊंगी तो ये प्रूव भी नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको पहले ये बता दिया कि क्या होता है, सारी साइड्स बराबर होती हैं इसकी, और अगर हम इसको ए बी और सी लेते हैं तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। All the angles in an equilateral triangle are equal and which is equal to 60 degree, okay? तो हम देखते हैं कि सर 30 और 60 पर हमारे सारे trigonometric ratios की value कैसे निकलती है। तो सर आपने बोला सर 90 degree पे लगता है trigonometry, आप इसमें तो सर तीनों 60 degree हैं। तो बेटा इधर आओ, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि आप इसमें एक लाइन खींच लीजिए 90 degree, ठीक है। काम बेटा वही रहेगा, 90 डिग्री के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो 90 डिग्री बना लो, इतना टफ काम है क्या, इसको डी ले लो, बन गया 90 डिग्री, दिख रहा है ना आपको, ठीक है 90 डिग्री दिख रहा है, ओके। तो 90 डिग्री बना लिया, अब इस साइड, अब बेटा साइड कैसे कैसे लेनी है, बेटा साइड लेना बहुत जरूरी है, दिमाग से लेना बेटा। देखो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ये वाली लाइन जब किसी 90 डिग्री गिरती है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, थ्योरम अगर याद नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जब एक परपेंडिकुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पर गिरता है तो वो उसको हाफ हाफ में डिवाइड करता है, क्या बोला मैंने, उसको वो हाफ हाफ में डिवाइड करता है। ये चीज नहीं पता होगी तो आगे तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो अगर मैं इस पूरी साइड को ए ले लेता हूँ, ठीक है, काम की बात बोल रहा हूँ, अगर मैं पूरी साइड को ए ले लेता हूँ तो ये हो जाएगी ए बाई टू और ये हो जाएगी ए बाई टू, ठीक है ना, ये हो जाएगी ए बाई टू और ये ए बाई टू, तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएंगी, तो थोड़ी कैलकुलेशन हमारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो क्यों ना हम ऐसे नंबर्स ले लें जिसको डिवाइड करने पर भी फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए, इसीलिए हम पूरी साइड्स को बेटा इस पूरी को 2a ले लेंगे, इस पूरे को 2a ले लेंगे और इस पूरे को कितना ले लेंगे 2a, ठीक है, इस पूरे को 2a। अब क्या होगा जब ये 90 डिग्री गिरेगा इस पर परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बेटा क्या ए, ओके।
चलिए थोड़ा पतला कर लेते हैं। ओके ठीक है बेटा, ये ए हो गया और ये भी ए हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। बेटा अभी आपको बताया सारे के सारे एंगल 60 होते हैं, तो क्या ये 60 डिग्री नहीं होगा? क्या ये 60 डिग्री नहीं होगा ये वाला एंगल? ठीक है, ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, ये 90, वो 60 और ऊपर वाला 30 डिग्री। अब चलिए, अब एडी निकालने की कोशिश, सीडी निकालने की कोशिश कीजिए, आप सीडी निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको एक पूरा नया डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ताकि आप बिल्कुल उसमें थोड़ा सा हॉश पॉश ना हो रही हो, बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा हो। एक ये है, ठीक है, अब इसमें रिजल्ट लगाएंगे हम, सीधे पूरा वो नहीं लिखेंगे। ये 2 है और यहां से जब एक 90 डिग्री गिर रहा है, तो ये ए है और ये ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये भाई साहब डी है। अब पूरा साफ सुथरा डायग्राम बन गया है, ठीक है, जो उसमें हॉश पॉश नहीं हो रही थी। इसमें ये 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा, ठीक है, ये 60 और ये 30। ओके चलिए, तो इतना हो गया। अब करते हैं प्रूफ। इस एडी को आपको निकालना पड़ेगा, एडी को, एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए बी स्क्वायर। ओके, ये लगती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्यों लगा रहे हैं आप? क्योंकि हमें एडी निकालनी है, एडी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमें ये थ्योरम लगानी पड़ेगी। बेटा एडी स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, ठीक है, एडी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे। बीडी कितना है बेटा? बीडी हमारा ए है, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और ए बी कितना है बेटा हमारा? 2a, 2a का स्क्वायर कर देंगे यहां पर, तो एडी स्क्वायर कितना होगा? इस ए स्क्वायर को जब इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर उधर जाकर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एडी स्क्वायर बेटा कितना हुआ? 3a स्क्वायर, ठीक है। और एडी के लिए क्या करना पड़ेगा निकालने के लिए? रूट लगाना पड़ेगा दोनों साइड। तो ए का स्क्वायर, तो ए का रूट तो ए हो जाएगा ये, और इस पर लग जाएगा हमारा रूट। तो हमारी जो तीसरी साइड थी 90 डिग्री में, वो भी हमने निकाल ली। ओके, तो ये साइड हो गई हमारी कितनी? ए रूट 3। ओके, काम हमारा बेटा यही होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कि हमारे पास तीन एंगल हो और तीन साइड्स हो, ठीक है, वो हमें पता हो, तो काम हमारा 80% तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ओके, तो हमारी तीनों साइड्स निकल गई। अब हम करते हैं क्या, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो हम मैं इसको रब करने वाला हूँ अब। ओके, इसको हम रब कर देंगे अब, ठीक है। अब करते हैं हम जो हमारा मेन पोर्शन है, वैल्यूज निकालना, ठीक है, वैल्यूज निकालना। तो बेटा सबसे पहले निकालते हैं 30 वाली। अगर हम साइन 30 की बात करें, तो बेटा क्या होगा? रेशियो तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटन्यूज का रेशियो, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटन्यूज का रेशियो। तो बेटा परपेंडिकुलर होगा क्या? अब आया असली कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो इतने दिनों से मैं समझा रहा हूँ, अब वो यहाँ एक साथ लगेगा, तो ध्यान से आना और देखना बेटा पढ़ने के लिए। बेटा ये परपेंडिकुलर क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा बीडी, ध्यान से समझो। इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, तो 30 डिग्री के सामने ही तो साइड होगी बी डी, ये परपेंडिकुलर। तो इसकी बेटा वैल्यू क्या है? पहले चलो ये लिख लेते हैं, बी डी अपॉन ए बी। तो बेटा बी डी कितना है? ए, और ए बी कितना है? 2a। तो ये कैंसिल आउट कितना है बेटा? 1/2, ठीक है, 1/2 आ गया। तो यहां से हमारा साइन निकल गया। अब देखते हैं cos 30। cos 30 बेटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा ये भी एंगल है, तो बेस ये होगा AD, और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज AB। AD की वैल्यू बेटा कितनी? अभी सॉल्व की थी हमने पाइथागोरस थ्योरम से, ए रूट 3, और AB कितना है बेटा? 2a। तो ये कैंसिल आउट कितना आएगा बेटा? रूट 3 और 2 का रेशियो।
साइन निकल गया, कॉस निकल गया, बस एक रह गया है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 10:30, 10:30 बेटा क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, ठीक है। परपेंडिकुलर बेटा क्या होगा? बीडी, और बेस कितना होगा बेटा? एडी। बेटा बीडी कितना है पूरा? ए, और एडी कितना है? ए रूट थ्री। ए से कैंसिल आउट बेटा कितना आया? 1/√3। देखना बेटा कितना आसान होता है ये चीज। ट्रिग्नोमेट्री आपको कितनी आसान लग रही होगी, सर आसानी से सर करते जा रहे हैं आप, हम भी आपके साथ करते जा रहे हैं और हमें सब समझ में आता जा रहा है, ठीक है। यही मैं चाहता हूँ आपसे, यही उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा आसानी से। ये तीन वैल्यू तो मैंने निकाल ली। अब सर बाकी के तीन होते तो 6 है, तो बेटा इनके रेसिप्रोकल ही तो होते हैं वो, तो आराम से वो भी निकल जाएंगे, ठीक है। साइन 30 अगर ये है तो कॉसेक 30 क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल। कॉस ये है तो सेक क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल। और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। अगली स्लाइड पर आते हैं, पहले इनकी वैल्यू लिखेंगे उसके बाद इनके रेसिप्रोकल देखेंगे। तो बेटा साइन 30 कितना बताया मैंने आपको? 1/2। कॉस 30 कितना बताया? √3/2। और टेन 30 कितना बताया? 1/√3। ओके, अब इनके रेसिप्रोकल लिख देंगे। साइन 30 का रेसिप्रोकल बेटा बोलो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा बेटा? 1/2 का रेसिप्रोकल 2। सेक 30 बेटा कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस कितना है? √3/2। इसका रेसिप्रोकल 2/√3। इनकी वैल्यूज बेटा ट्राइंगल से भी निकल सकती हैं, इनकी वैल्यूज ट्राइंगल से भी निकल सकती हैं, लेकिन हमें जरूरत क्या है उसकी, ठीक है। हमें सिर्फ समझना ही तो था कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है हमें। 10:30 का रेसिप्रोकल होगा cot 30। ओके, ये हो जाएगा बेटा 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। चलिए बेटा क्या हो गया, हमने 45 के सारे पढ़ लिए, 30 के सारे पढ़ लिए, अब हम किस पर चलने वाले हैं? 60 पर चलने वाले हैं। और 60 के लिए अभी बताया था कि कोई और ट्राइंगल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, उसी ट्राइंगल से 60 की भी सारी वैल्यूज निकल जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चल के मैं आपको सीधे सीधे वो डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि पीछे भी बनाया है वो, वास भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं सिर्फ वो डायग्राम बना देता हूँ जो मैंने वैल्यूज ली थी। मैंने आपसे कहा था कि ये ए है, ये डी है, और ये सी है, ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं, हमें मेनली इम्पोर्टेंट एंगल यहाँ पर ज़रूरी है बेटा, नेमिंग इम्पोर्टेंट नहीं कि वो बी है या सी है। ये 90 है, ये 60 था हमारा, और ये हमारा 30 था, इतनी बात याद आई आपको। अब क्योंकि हम 30 के सारे एंगल्स निकाल चुके हैं, तो अब हम 30 की बात ना करके सिर्फ और सिर्फ 60 की बात करेंगे। अब मैंने वैल्यूज भी निकाल ली थी बेटा, इसको मैंने क्या लिया था? ए। इसको मैंने लिया था 2a, और इसकी वैल्यू बेटा कितनी आई थी? √3, ये वैल्यू आई थी। बस बेटा थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना आप मुझे, और आप 2 मिनट में चुटकियों में इसको क्वेश्चन को खत्म करेंगे और सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा साइन निकालते हैं यहाँ से, साइन अब 60 ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा? थीटा। 60 क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर और हाइट का रेशियो। अब बेटा 60 लिया है तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे, परपेंडिकुलर बेटा कितना हो जाएगा? √3, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बेटा? 90 के सामने 2a, ए से कैंसिल आउट बेटा कितना आया? √3/2। कॉस 60 के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे सर? बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, बेस कितना है बेटा? ए, और हाइपोटन्यूज 2a। अब बहुत आसानी से समझ में आ रहा हो आपको ये चीज, 1/√2। और बेटा क्या बचा हमारा? 10:60। 10:60 क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट किया है कितना है? √3, और बेस हमारा कितना है? ए। तो √3 अपॉन ए, ए से कैंसिल आउट कितना आया बेटा हमारा? √3। इसमें बेटा कितना कम समय लगा है ना? तो जितना आप स्टार्टिंग में टाइम दे देंगे ना किसी चीज को, उतना बाद में क्या होगा, बहुत कम टाइम में वो चीज कंप्लीट हो जाएगी। और इसी का अगर हम उल्टा समझे, स्टार्टिंग में आप समझेंगे सर जल्दी जल्दी मैं कर लूँ, बस खत्म कर लूँ, सिलेबस मेरा हो जाए, जब एक साथ जब सिलेबस आएगा ना एग्जाम में, और उसके एक दिन पहले आपको कुछ भी माइंड में स्ट्रक नहीं करने वाला है, ठीक है। तो शुरुआत में टाइम दे दो, बाद में कम टाइम दो, या पहले कम टाइम दो बाद में बहुत सारा टाइम दो,
सोच लो आपको इसमें कौन सी चीज चूज करनी है, ठीक है? तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप पहले उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद कम समय में ज्यादा रिवीजन होगा और मार्क्स क्या होंगे बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है? चलिए, 1060 हो गया, साइन 60 की वैल्यू आ गई। तो बेटा अब इसको पहले नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेंगे और इसके जो बाकी तीन बचे हुए रेसिप्रोकल वो भी लिख लेंगे। साइन 30 ये हो गया साइन 60। चलिए, साइन 60 बेटा मैंने क्या लिखा आपके सामने, रूट 3/2 कॉस 60, 1/2, और टेन 60 बेटा कितना लिखा मैंने, रूट 3। ओके, अब इनके रेसिप्रोकल कर देंगे यहाँ पे हम। साइन 60 का कॉस एक्स 60, कॉस 60 का टेक 60, और टेन 60 का कॉट 60। ओके, चलिए तो ये बात हो गई। अब इनके रेसिप्रोकल कर देंगे बेटा, रूट 3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, कॉस 60 सेक्स 60 क्या रिलेशन होगा, इनके रेसिप्रोकल 2/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं डिनोमिनेटर में। टेन 60 अगर रूट 3 है तो कॉट 60 क्या होगा बेटा, 1/√3। तो बेटा काफी कुछ खत्म हुआ यहाँ पर, कितना खत्म हो गया बेटा, 45 के सारे सीख लिए, 30 के सारे सीख लिए और 60 के सारे सीख लिए। अब हमारे बस बचते हैं दो, बचते हैं कौन कौन से, 0 और 90, ठीक है? अब उनको देखते हैं बेटा, उनमें थोड़ा सा आप यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा देना, वहां पर सॉल्व करना तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीजें समझने वाली वहां पर बहुत है, ठीक है? आपको देखो साइन 0 0 होता है, याद करना तो बहुत आसान है, साइन 91 होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है, याद तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप सच में किसी को बताना चाहते हैं कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी और को बताना चाहें कि सर ये 0 कहाँ से आया, 1 कहाँ से आया, तो उसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है? तभी आपकी उसमें कमांड हो पाएगी। और इसमें मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है 90 और 0 वाले में, सिर्फ समझना है। तो बस ध्यान से इस वीडियो में देखते जाइए आगे क्या होने वाला है। ओके, चलिए आगे इसको देख लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो आप समझते हैं, तो 0 और 90 समझना है ना, तो पहले हम 0 समझते हैं, उसके बाद 90 समझते हैं, ठीक है? तो पहले हम 0 को समझते हैं। तो 0 के लिए मुझे कुछ 4 to 5 ट्राइंगल्स की जरूरत पड़ेगी, पहले वो मैं बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। बेटा 0 अगर लेना है तो इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि सर 0 होगा थीटा। बेटा थीटा होता क्या है, ये 90 होता है और ये थीटा होता है। अब थीटा अगर 0 लेना है, 0 डिग्री लेना है, इसका मतलब क्या है, मतलब सर ये अगर 60 होगा और छोटा करेंगे 30, फिर 15, फिर 10 और छोटा करते जाएंगे तो बिल्कुल नियरेस्ट टू 0 जाएगा। अब आप मुझे एक और डायग्राम बनाता हूँ, मैं आपको 3 डायग्राम बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके, अगर ये थीटा था, अगर इसको मैं और कम कर दूं थीटा, मान लो ये थीटा कर दिया मैंने, थीटा हमें 0 तक ले जाना है, तो मैं डायरेक्ट 0 तक ना ले जाके आपको पहले समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे कम होगा। थीटा अगर मैंने कम किया बेटा, अगर ये मैं ले लूँ ए बी सी, तो आप देख पा रहे होंगे बेटा बी सी जो है, बी सी तो बेटा उतनी थी उतनी ही रही, ठीक है? जो ए बी थी, जो परपेंडिकुलर था हमारा, वो यहाँ से उठ के कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है? बेटा मैं कह रहा था आपसे कि इसमें बस समझना ही है, सॉल्व नहीं करना है, तो समझो बेटा, ठीक है? अब और थीटा नीचे ले आएंगे ऐसे करके और नीचे, तो बेटा ये थीटा हो गया, तो बेटा फिर से बी सी तो वही रहेगा, लेकिन हमारा ए बी और छोटा हो जाएगा, ए बी हमारा और छोटा हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब थीटा बिल्कुल इसी के ऊपर लाई करेगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा थीटा इसी के ऊपर लाई करेगा, तो जो ए सी था, जो ए सी ऐसे ऐसे होते आ रहा है, वो ए सी भी इसी पर लाई करेगा बी सी पर, और ए सी भी इसी पर आएगा, और जो परपेंडिकुलर था हमारा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेटा कॉन्सेप्ट है इसमें, मैं मानता हूँ थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा कि जो एसी था वो पूरा इस तरीके से था बेटा, जो एसी था वो पूरा ओवरलैप कर गया, और जो परपेंडिकुलर था वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है वहां पे, ठीक है? पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। तो अब निकालेंगे साइन 0। बेटा क्या होता है साइन 0, मेरे साथ बोलो, परपेंडिकुलर और हाइपोटन्यूज का रेशियो। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, बिल्कुल 0 हो चुका है, परपेंडिकुलर हमारा खत्म हो चुका है यहाँ पर, और नीचे क्या रहेगा, हाइपोटन्यूज। हाइपोटन्यूज हमारी ए सी बी सी कुछ भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 0/ कुछ भी होगा तो खत्म हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0। साइन 0 आ गया, कैसे आया समझ में आया?
अब सर जब परपेंडिकुलर की साइड है ही नहीं तो हम पुट क्या करें वहां पर, जब वो जीरो है तो जीरो पुट किया, और जीरो अगर किसी चीज में आ जाएगा तो पूरा का पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कॉस, कॉस का रेशियो क्या होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का। मैंने आपसे कहा था कि जब जीरो होगा थीटा तो धीरे धीरे एसी जो है वो बीसी पर ओवरलैप कर जाएगा, इसका मतलब बीसी की वैल्यू जितनी है, बीसी की जो लेंथ है वो ही लेंथ एसी की भी हो जाएगी। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो एसी होगा और जो बीसी होगा वो दोनों सेम होंगे, क्योंकि एक के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर गए तो दोनों सेम होंगे, तो इनको कैंसिल आउट करके बेटा क्या आने वाला है, वन आने वाला है। तो कॉस जीरो बेटा क्या होता है, वन होता है। अब समझ लीजिए टेन, थर्ड वाला, टेन जीरो बेटा क्या होगा, इसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेटा परपेंडिकुलर तो जीरो है तो ये भी कितना होगा, जीरो अपॉन बेस कुछ भी लिख दें आप तो कितना आएगा रिजल्ट, जीरो। तो जीरो डिग्री पर हमने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीख लिए, अब इसके जो बाकी तीन है रेसिप्रोकल वो देखेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ सारी वैल्यू, साइन जीरो, कॉस जीरो और टेन जीरो। ओके, साइन जीरो क्या था हमारा बेटा, बोलो जीरो, ये क्या था बेटा हमारा वन, और टेन जीरो बेटा देखो कहाँ पे क्या लिखा है मैंने, परपेंडिकुलर और बेस का, क्योंकि ये अलग है इसमें साइड ये खत्म हो गई, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो जीरो हो गया, तो टेन जीरो बेटा कितना होगा, जीरो। ओके, अब इनके हम रेसिप्रोकल देख लेंगे, साइन का रेसिप्रोकल बेटा क्या होता है, कॉसेक जीरो, ये हो जाएगा बेटा सेक जीरो, और ये हो जाएगा बेटा कॉट जीरो। ओके, अब बड़ा ध्यान से समझना बेटा, जीरो जीरो को अगर मैं जीरो अपॉन वन लिख दूं तो कोई दिक्कत है बेटा आपको बताइए, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में वन लिखा जा सकता है, ये मैथ्स का रूल है, तो जीरो अपॉन वन हम लिख सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे वन अपॉन जीरो, ठीक है वन अपॉन जीरो, ये चीज अभी तक मैथ्स में डिस्कवर नहीं हो पाई है, ये नॉट डिफाइंड है बेटा। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड है, वन को जीरो से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा बेटा, नॉट डिफाइंड फंक्शन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा क्या, नॉट डिफाइंड। अब बेटा कॉस जीरो वन है, वन का रेसिप्रोकल तो बेटा वन ही होगा, टेन जीरो यहाँ पर बेटा साइन वाली कंडीशन है, ये भी बेटा क्या है जीरो अपॉन वन है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे वन अपॉन जीरो, तो कॉट जीरो भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का सेंस मतलब इन्फिनिटी तक आंसर जाएगा, हम कुछ उसके बारे में ज्यादा जानकारी दे नहीं सकते, हम का मतलब हम नहीं, कोई भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता कि इसकी रियल वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हुआ जीरो डिग्री, अब हमारा सिर्फ एक एंगल बचा है 90 डिग्री, उस पर थोड़ा फोकस करेंगे, उसके बाद इस सेशन को बंद करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए, तो 90 डिग्री अब देखते हैं, इसके लिए भी मुझे कुछ दो तीन ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, वो मैं बनाता हूँ आपके लिए। चलिए लिख देते हैं क्या लेना है बेटा इसमें, थीटा 90 डिग्री लेना है। ओके, थीटा हमें 90 डिग्री लेना है इस वाले में, तो बेटा अगर मैं एक ट्रायंगल बना के दूँ आपको, ठीक है अगर मैंने आपको एक ट्रायंगल दिया बनाकर, इसमें ये थीटा है, ये ए बी सी है, ठीक है, अब हमें करना क्या है, थीटा 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, अगर थीटा 90 डिग्री बनाएंगे तो बेटा, अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके कोई सामने दीवार, अगर आपके सामने कोई दीवार है, आपकी जितनी अब अगर आपकी ज़्यादा दूरी है किसी वॉल से, आपकी ज़्यादा दूरी है तो आपका एंगल कम होगा, और जैसे जैसे आप किसी दीवार के पास जाते जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल आपकी आइस का और ऊपर हो जाएगा, आप बिल्कुल दीवार के पास खड़े हो जाएंगे, तो आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा भाई, हाँ भाई ये दीवार है। तो क्या ये इससे ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा कि आप जितना पास जाएंगे तब आपका एंगल बढ़ेगा देखने का ऊपर की तरफ, और जब पीछे जाएंगे तो उतना ही कम होता चला जाएगा। तो अगर मुझे थीटा 90 करना है, यहाँ पर 90 तो होगा नहीं क्योंकि ये 90 है, 180 तो ही हो सकता है बेटा, तो अगर ये 90 है, ये कुछ कम है 90 से, तो 90 बढ़ाने के लिए मुझे इधर बढ़ाना पड़ेगा, अगर ये मैं इधर बढ़ाऊंगा तो मान लीजिए ये हो गया इधर, ये भाई साहब जो है आगे बढ़ के आ गए अब इधर, तो बेटा ए बी की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, जब ये जैसे कि मैं चल के जा रहा हूँ किसी दीवार के पास, तो मेरा जो बेस है वो कम होता चला जाएगा, और जब मैं दीवार के बिल्कुल पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा करीब बेस में, तो बिल्कुल मेरा जीरो हो जाएगा, तो ये इसी तरीके से कम होता चला जाएगा, लेकिन जो दीवार है बेटा वो तो उतनी लेंथ की रहेगी, तो परपेंडिकुलर हमारा उतनी ही लेंथ का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सी लिख देंगे। अब अगर बिल्कुल जब ये लास्ट केस आएगा, जब मैं दीवार के बिल्कुल पास पहुंच जाऊंगा, तो वहां पर भी ये केस लगेगा कि बिल्कुल इसी के ऊपर
मेरा जो हाइपोटन्यूज था, जो हाइपोटन्यूज है बेटा वो ऐसे ऐसे करते करते इसी पर लाई कर जाएगा, और जो बेस है हमारा, बेस जो है हमारा वो खत्म हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर था वही हाइपोटन्यूज हो जाएगा। जो परपेंडिकुलर था और जो हाइपोटन्यूज थे वो दोनों इस तरीके से क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ से। तो बेटा साइन 90 क्या होगा, अब 90 ले रहे हैं तो सारी वैल्यू 90 लगेंगी। साइन 90 क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटन्यूज का रेशियो। बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटन्यूज सेम है, बीसी और एसी, बीसी अपॉन एसी, ये दोनों सेम है। मैंने आपको दिखाया कैसे सेम है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वन हो जाएगा बेटा कॉस। बेटा थोड़ा सा और समय, हम सेशन के एंड में है बिल्कुल। बेस और हाइपोटन्यूज, बेस बेटा कितना है, बेस तो सर खत्म हो गया, तो बेस तो बेटा जीरो है, और हाइपोटन्यूज हमारा क्या है, एसी है। तो बेटा नीचे एसी हो चाहे बीसी हो चाहे कुछ भी हो, क्या आंसर आने वाला है, जीरो। ठीक है, ये बातें समझ में आई आपको। अब निकलेगा टेन टेन 90, 1090 बेटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपॉन में क्या आ रहा है, बेस, और बेस कितना हो चुका है, जीरो, तो क्या आ रहा है इनडायरेक्टली, परपेंडिकुलर कितना था हमारा, बी ए बी सी, ओके बी सी, और नीचे आ रहा था बेस, बेस कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब ये क्या है, नॉट डिफाइंड, जीरो आ गया डिवाइड में बेटा, किसी में कोई डिवाइड नहीं हो पाएगा इससे। ठीक है, तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर 90 भी खत्म होता है, इसके बाकी के रेसिपो को लिख देते हैं हम लोग अगली स्लाइड में। बेटा साइन 90 कितना हुआ, वन, कॉस 90 जीरो, और बस बाद में क्या आया बेटा, टेन 90, ये क्या हुआ बेटा, नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा लिख दे बेटा, कॉस एक 90, टेक 90 और कॉट 90। ठीक है बेटा, अब बेटा वन का रेसिप्रोकल वन, अब बेटा जीरो मतलब 0.1, अब 0.1 का रेसिप्रोकल 1/0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। और बेटा ये अभी यहाँ पर नॉट डिफाइंड लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0.1। इसका मतलब ये क्या होगा, 0.1 तो बेटा जीरो होता है, वन से डिवाइड तो आप कर सकते हो, कुछ सोच सकते हो कि हाँ वन तो मेरा एक नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, लेकिन जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सारे के सारे हमारे खत्म होते हैं। ठीक है, काफी लंबा सेशन गया है आज, लेकिन ये सेशन अगर आप लेंगे, ठीक है, आप इसको समझेंगे, इसको करेंगे, तो आज का सेशन आपको कितनी सालों तक बेनिफिट देने वाला है, इसको आप तभी समझ पाएंगे जब एक्सपीरियंस से आप देखेंगे। ठीक है, आगे चल के आपको रियलाइज होगा कि जो सर का सेशन लिया था, वहां जो उन्होंने वैल्यूज निकालना सिखाई थी, वो आज भी 11th में 12th में हमें आगे भी काम आ रही हैं, तब आप इस सेशन की इंपॉर्टेंस को ज्यादा समझेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने से आप इस पूरे को अपने हाथों से बिल्कुल इसको करिएगा, अपने हाथ से पेन उठाकर अपनी कॉपी पे इस वीडियो को देखते हुए सॉल्व करिएगा, उसके बाद इसको लर्न कराना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आपको पहले बोला कोई भी इसको रटेगा नहीं, अभी तक कल की वीडियो में मैं इसको लर्न करवाने वाला हूँ आपको, आपकी फिंगर टिप्स पे 30 90 60 सारी वैल्यूज होने वाली हैं। ठीक है, और आपको रियलाइज ही नहीं हुआ कि कुछ ज्यादा टफ था। ठीक है, अब तक आपको जो चीज टफ लगने वाली थी वो आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मैथ से आपको प्यार करवाने आया हूँ, उस सेशन में भी मैंने कहा था और आज भी मैं आपसे ये बात कहता हूँ। ठीक है, मोटिवेटेड रहिए, डेडिकेटेड रहिए, अपनी पढ़ाई को लेकर पॉजिटिव रहिए, दुनिया आएगी आपको डिस्टर्ब करने, आपको नेगेटिविटी देने, लेकिन आप क्या करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ सारी पढ़ाई को करते रहेंगे, क्योंकि हमें कहाँ पहुँचना है वो किसी को बताना नहीं है बेटा, हमारा रिजल्ट खुद ही दुनिया को बता देगा कि हम कहाँ थे और हम कहाँ हैं। ठीक है, आप अपने वर्ड से किसी को समझाएंगे कि नहीं नहीं मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो दुनिया खुद के खुद समझ जाएगी कि ये इंसान क्या था और हम उसके साथ क्या गलत कर रहे थे या क्या सही कर रहे थे। किसी ने आपको कुछ कह दिया, शॉर्ट टेम्पर हो जाता है लोगों में, बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है बच्चों में, उसको थोड़ा ग्रेस करिए, पानी पीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, क्योंकि बेटा वो आपका करेक्टर डिफाइन नहीं करता। आपको किसी ने आपको 5 सेकंड के लिए कुछ कह दिया तो इससे का ये मतलब नहीं है कि आपका जो पूरा करेक्टर है उसे भी डिफाइन हो गया। आपके पास अपना पोटेंशियल तो है ना, आप गलत वे में उसको क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पॉजिटिव वे में उसको रिप्रेजेंट कीजिए,
और उनको कुछ करके दिखाइए। ठीक है, रिजल्ट बोलता है बेटा, इंसान बोलता है वो कोई काउंट नहीं करता, रिजल्ट बोलता है। ठीक है, तो इतना ही आज हम आज के सेशन में रखेंगे, इसके आगे कल मैं आपको इसकी वैल्यू याद करवाने वाला हूँ। ठीक है, हमेशा की तरह मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अपने आसपास सफाई रखें। अगर इंदौर हमारे देश का पूरा सबसे साफ शहर बन सकता है, तो आपका शहर शहर क्यों नहीं बन सकता। ठीक है, इस बारे में आप विचार करेंगे, आसपास सफाई रखेंगे और अपने देश से प्यार करेंगे। ठीक है, भारत माता की जय। जय हिंद।